हेलो दोस्तों वेलकम टू अकाउंटिंग सीखो दोस्तों आज की यह वीडियो बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में है जिसमें हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इससे पहले भी मैं कम्युनिकेशन की और वीडियोस बना चुका हूं आप मेरे चैनल की प्ले में जाकर वो वीडियोज़ चेक कर सकते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का जो डिफरेंस है इसको जानने से पहले आपको इन दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आखिर ये होते क्या हैं तभी आपको इनके डिफरेंसेस अच्छे से क्लियर हो पाएंगे तो इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ आप इससे पहले एक वीडियो देख सकते हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का पहला डिफरेंस है इट इज़ अ कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन आर एक्सचेंज ऑफिशियली बाई फॉलोइंग सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज एक्सचेंज किए जाते हैं शेयर किए जाते हैं वह ऑफिशियली किए जाते हैं जिसका मतलब है कि वहाँ एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं बनाए गए हैं और उन्हीं को फॉलो करना होता है अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की इट इज़ अनऑफिशियल कम्युनिकेशन इन विच वन पर्सन कैन कम्युनिकेट फ्रीली विद अदर पर्सनस तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है वह अनऑफिशियल होता है जिसका मतलब है कि कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बिना किसी रूल्स रेगुलेशंस के बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सकता है इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं इसमें किसी भी तरीके के रूल्स रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है वह इन सारी चीज़ों से फ्री होता है फॉर एग्ज़ाम्पल हम अपने दोस्तों से जब चाहे कोई मैसेज थाट या इंफॉमेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ किसी तरीके के रूल्स को फॉलो नहीं करना है इसका दूसरा डिफरेंस है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ आल्सो नोन एज ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉर्मल कम्युनिकेशन को ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी कहते हैं अब क्यों कहते हैं क्योंकि यहाँ किसी से कम्युनिकेट करने के लिए कोई बात रखने के लिए रूल्स को फॉलो करना होता है कुछ गाइडलाइंस होती हैं या यू कहें एक चैन डिफाइन होती है जिसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेट करना होता है जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ आल्सो नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहा जाता है ग्रेप वाइन एक इनफॉर्मल वे है जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट किया जाता है या इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी ग्रेप वाइन का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसा सुनना जो अनऑफिशियल है कोई र्यूमर है अब जैसे किसी इम्प्लॉयी को, को कोई बात पता चली वह दूसरे इम्प्लॉयी से कहा वह दूसरा अपने सुपीरियर से बताया और वह किसी और को बताया इस तरीके का भी कम्युनिकेशन हो सकता है या फिर ग्रुप में बैठकर गॉसिप्स कर रहे हैं तो यह सब ग्रिप वाइन कम्युनिकेशन कहलाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन का अगला डिफरेंस है द मेन मोटिव ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ टू फुलफिल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फॉर्मल कम्युनिकेशन का मेन मोटिव जो होता है वो इसलिए किया जाता है कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उसके उद्देश्य हैं वो पूरे किए जा सकें तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए फॉर्मल कम्युनिकेशन किया जाता है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं गाइडलाइंस होती हैं जो पहले से दी हुई होती, है, होती हैं फिक्स्ड होती हैं उन्हीं को फॉलो किया जाता है जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ इंटेंडेड टू मीट पर्सनल इंटरेस्ट एंड नीड्स इसका मतलब यह है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में पर्सनल इंटरेस्ट होता है और जरूरतें होती हैं तभी किसी दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन का अगला पॉइंट है इट इज इन रिटर्न फॉर्म फॉर्मल कम्युनिकेशन रिटर्न फॉर्म में होता है जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज इन वर्बल फॉर्म जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वर्बली किया जाता है या आमने सामने भी हो सकता है और टेलीफोनिक भी हो सकता है यानी मोबाइल फोन के थ्रू भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है नेक्स्ट है फॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मल कम्युनिकेशन में किसी भी इंफॉर्मेशन या थॉट को दूसरे पर्सन तक पहुंचाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यह रिटर्न में होता है तो किसी को कोई बात पहुंचाने के लिए कई स्टेप से गुजरना होता है अब अगर हम बात करें इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की इट कॉस्ट लेस टाइम फॉर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में फॉर्मल कम्युनिकेशन के कंपेयर में कम टाइम लगता है इसमें आप अपनी किसी भी बात को तुरंत सामने वाले पर्सन को बता सकते हैं क्योंकि यह वर्बल होता है अब इसका अगला डिफरेंस है जिसमें इस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है यानी एग्ज़ाम्पल्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन आर बिजनेस लेटर्स रिपोर्ट्स ऑर्डर्स एट्सट्रा जबकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर फेस टू फेस कम्युनिकेशन टेलीफोनिक कन्वर्जेशन एट्सट्रा तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही यही कुछ डिफरेंस थे फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बिजनेस कम्युनिकेशन की और भी वीडियोज़ आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अगर आगे भी इसी तरह की और भी वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन रखें ताकि आगे की आने वाली जो वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू